हरे कृष्णा। आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके इसके महत्व के बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली, बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली और अनंत सुख प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य अपरा एकादशी व्रत करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, दूसरों की निंदा करना, पर स्त्री गमन करना, ये सब पाप अपरा एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। झूठ बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, ठग, ये सब नरगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से ये सब पाप से छूट जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध करने से भाग जाता है तो वह घोर नरक को जाता है, परंतु हे राजन, जो इस अपरा एकादशी व्रत करता है वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। अपरा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को सतगति प्राप्त होती है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्करों में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, कुंभ में कंदारनाथ के दर्शन से, बद्रिका आश्रम की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होते हैं, मनुष्य को वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होते हैं। पाप से डरे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अपरा एकादशी व्रत करे। अपरा एकादशी व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और वह विष्णु लोक को जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान की मंगला आरती करें। तुलसी महारानी को जल अर्पण करें, उनकी परिक्रमा करें और तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें।